नाम बड़े और दर्शन छोटे, ये कहावत एकदम सही बैठती है गुलाबो सुताबो पर, क्योंकि गुलाबो सुताबो को जब ट्रेलर आया था उसने लोगों के अंदर बहुत एक्साइटमेंट जगा दिया था इस मूवी को लेकर, और आयुष्मान खुराना और अमिताभ बच्चन जैसे बड़े आर्टिस्ट का नाम होने के कारण इस मूवी से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख ली थी लोगों ने, लेकिन ये मूवी उस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर पाई। सुजीत सरकार की कहानी शुरू होती है लखनऊ के फातिमा महल से, जिसमें रहते हैं 78 साल के मिर्जा यानी कि अमिताभ बच्चन, और रहती है उनके साथ उनकी 95 साल की बेगम, और फातिमा महल में रहते हैं और भी बहुत सारे किराएदार जिनमें से एक बाके होते हैं यानी कि आयुष्मान खुराना। मूवी में आयुष्मान चलाते हैं अड्डे की चक्की और रहते हैं किराए से अमिताभ के घर में। वो सिर्फ अमिताभ को 30 रुपए का किराया देते हैं और अमिताभ उसका किराया बढ़ा भी नहीं पाते क्योंकि आयुष्मान बहुत पुराने किराएदार रहते हैं। अमिताभ मूवी में थोड़े लालची बताए गए हैं जो कि अपने किराएदारों के यहाँ से छोटी मोटी चीजें चुराते रहते हैं, और उनकी बेगम बीच बीच में अपने तानों से कॉमेडी पंचेस मारती रहती हैं। मूवी की स्टार्टिंग में अमिताभ और आयुष की खट्टी मीठी नोकझोंक ने इस मूवी में जरूर थोड़ा सा कॉमेडी जड़कर डाला है। आयुष्मान दीवार में लात मारते हैं तो अमिताभ के घर की दीवार कच्ची होने के कारण टूट जाती है, और अमिताभ फिर उसके लिए पुलिस में केस करने पहुंच जाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो स्टार्टिंग में व्यूअर्स का इंटरेस्ट जीत लेगी, लेकिन फिर धीरे धीरे मूवी सीरियस मोड पे चली जाती है और धीरे धीरे मूवी स्लो होने लगती है, और कुछ एक्शन सस्पेंस ना होने के कारण ये मूवी थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है। 2 घंटे की मूवी आपको बहुत बड़ी लगने वाली है। पूरी मूवी में कहानी फातिमा महल के इर्द गिर्द घूमती रहती है। महल काफी पुराना होता है तो कुछ आर्कोलॉजिस्ट महल के पीछे पड़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अमिताभ फातिमा महल को बेचने के लिए वकील की मदद लेते हैं, और आपको आयुष्मान की लाइफ में थोड़े बहुत प्यार की झलक देखने को मिलेगी। वैसे तो मूवी बीच में बोरिंग हो जाती है, लेकिन फिर भी अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना की शानदार एक्टिंग जरूर इस फिल्म में आपका इंटरेस्ट बनाए रख सकती है। मेरे अकॉर्डिंग इस फिल्म को 5 में से 3 स्टार्स मिलने चाहिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन याद से प्रेस कर लेना, ताकि मैं ऐसी लेटेस्ट मूवी की जानकारी आप तक पहुंचाता रहूं। थैंक यू।